हे गाइस दिस इज लपकुस लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सी ए फाउंडेशन दिसंबर 2021 का इकोनॉमिक्स एंड बी का आंसर की देख रहे थे और वहां पे हम लोगों ने ओनली टेन क्वेश्चन सॉल्व किए थे आज हम लोग उससे आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा और सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आई सी आई के द्वारा इशू नहीं किया गया है सो हो सकता है ये गलत भी हो या सही भी हो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दें कि भाई ये क्वेश्चन नहीं था या इसका आंसर ये नहीं था या ये ऑप्शन में था ही नहीं तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और टोटल ग्यारहवा क्वेश्चन ये है फर्स्ट रैंक कंपनी ऑफ फॉर्ब्स फाइव हंड्रेड एज पर ट्वेंटी ट्वेंटी तो इसका करेक्ट आंसर है वॉलमार्क मैंने कल जो बताया था वो टू थाउजेंड नाइनटीन के हिसाब से बट वो क्वेश्चन में नहीं था तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वॉलमार्क ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ओल्डेस्ट नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर फैसिलिटेटिंग बिजनेस तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर आपके पास चार ऑप्शन थे आर बी आई सी बी सी सी आई आई आर डी ए आई बट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर बी आई उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हु गेव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी तो इसका करेक्ट आंसर है कार्ल मार्क्स जो कार्ल मार्क्स थे भाई साहब इन्होंने दिया था सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का ये इसका डिफिनेशन था या क्या था पता नहीं बट कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स को लेकर और ऑप्शन में कार्ल मार्क्स थे तो इसीलिए इसका आंसर ये होगा अगला क्वेश्चन ट्रिपल बॉटम लाइन नोन एज आपके पास ऑप्शन में क्या था पता नहीं बट इसका करेक्ट आंसर है पीपल प्लांट एंड प्रॉफिट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बजट लाइन विल बी अफेक्टेड बाय ऑप्शन ए चेंज इन डिमांड ऑप्शन बी चेंज इन इनकम या ऑप्शन सी चेंज इन सप्लाई ऑप्शन डी मेरे पास नहीं है बट इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी चेंज इन इनकम अब चलिए कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं सोलह नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज मेजर ऑफ यूटिलिटी यूटिलिटी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं ऑप्शन ए यूनिट में ऑप्शन बी यूटिल्स में ऑप्शन सी पॉइंट में या ऑप्शन डी नंबर में तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूटिल्स में ये तो कोई बच्चा भी बता देगा अगर किसी को आंसर ना पता हो तो ये देखेगा यूटिलिटी और यू, यू, यूटिल्स एक जैसा लग रहा है अगर वो भी मार देगा तो आंसर सही हो जाता ठीक है अगला क्वेश्चन सेंट्रली प्लान इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज आपके पास चार ऑप्शन है सोशलिस्ट प्राइवेट मिक्स्ड या कंज्यूमर इकोनॉमी तो जो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी होते हैं उसको एक और नाम से बुलाया जाता है जिसका नाम है सोशलिस्ट ये आपके मॉड्यूल में भी ये लाइन डिट्टो लिखा हुआ है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाई ये क्वेश्चन आपके पेपर में था या नहीं जरूर बताइएगा क्योंकि एक बच्चे ने कहा नहीं है और दो चार बच्चे ने बोला था ये क्वेश्चन था तो मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाई तो इसका करेक्ट आंसर है आर आपके ऑप्शन में क्या थे हमें नहीं पता बट इसका करेक्ट आंसर है आर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ मेंबर इन सी तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्स मेंबर सी में टोटल सिक्स मेंबर होते हैं अगला क्वेश्चन साइमल्टेनियसली परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स ये किसका डिफिनेशन है आर्बिट्रेज का डिफिनेशन है जो कि सेम टू सेम आपको दे दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन परफेक्ट कंपटीशन फर्म कैन नॉट अर्न इन द लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन फर्म ये लॉन्ग रन में क्या नहीं कर क्या नहीं कमा सकते तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकते सो so, इसका करेक्ट आंसर है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अभी और क्वेश्चन है जी हाँ अभी कुछ और क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन है यूजिंग टेलीफोन टू कॉन्टेक्ट पीपल एंड सेल अ प्रोडक्ट सर्विस तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेली मार्केटिंग आपके ऑप्शन में क्या आते नहीं पता बट इसका करेक्ट आंसर है टेली मार्केटिंग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एफ टी आई प्रोविडेड एफ डी आई ने किसको प्रोविडेड किया है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी निधि कंपनी निधि कंपनी को एफ डी आई ने प्रोविडेड करके रखा हुआ है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द गवर्नमेंट मोनोपोली थ्रू बी एस एन एल एंड एम टी एन एल हैज बिन टेकन अवे बाई द प्राइवेट सेक्टर प्लेस तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिसप्लेसमेंट आप लोगों ने क्या किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव मिनिमम टू शेयर होल्डर और टू डायरेक्टर इन विच कंपनी तो इसका आंसर है प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम टू डायरेक्टर चाहिए और टू शेयर होल्डर भी चाहिए ठीक है दो और क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरी फ्रॉम तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जीरो एंड इन्फेनिटी के बीच में डिमांड कर्व रहता है सॉरी डिमांड वेरी करता है और एक लास्ट क्वेश्चन है आज का मार्जिनल रेवेन्यू हैव डैश स्लोप एंड मार्जिनल कॉस्ट हैव हैलोप तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डाउनवर्ड एंड अपवर्ड सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए अभी तक हम लोगों ने ओनली ट्वेंटी क्वेश्चन ही किए हैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको एक भी क्वेश्चन याद हो एग्ज़ाम का तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन था ताकि 10-15 क्वेश्चन को मिला के मैं नेक्स्ट पार्ट बना सकूं थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो